अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया था और उसका जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन चाहता हूँ कि इसे आपके साथ भी शेयर करूँ कि देखें, सवाल यह है कि औरत एतिकाफ में घर में जहाँ बैठी है, क्या उस जगह से निकल सकती है घर के काम काज वगैरह करने के लिए। तो देखें जी, औरत के एतिकाफ के लिए जो ख़ास जगह औरतों के हक़ में है, उसका जो उन्होंने अपने लिए घर में एक गोशा या जो भी जगह अपने लिए कर ली है, उस पर हुक्म वैसी है जैसा मर्दों के लिए मस्जिद में। औरत के लिए एतिकाफ की हालत में तबई और शरई ज़रूरत के बग़ैर वहाँ से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं है, लिहाजा औरत एतिकाफ की जगह से बाहर खाना पकाने या घर के काम काज के लिए नहीं निकल सकती, इससे एतिकाफ टूट जाएगा। अगर इसको बाहर से इसके अपने लिए कोई खाना लाकर देने वाला नहीं है, तो ये बाहर खाना उठाने के लिए जा सकती है, खाना उठाकर फौरन अंदर आ जाए, बाहर ना रुके, वरना एतिकाफ फासिद हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक उलमा ने गुंजाइश रखी है, वो ये कि औरत अपनी एतिकाफ गाह के अंदर रहकर घर के जो काम काज कर सकती है, मसलन आटा गूंथ सकती है, खाना पका सकती है अगर वहाँ इस तरह का कोई मामला है, अगर अंदर ही हो सकता है, इसी तरह कपड़े भी वहीं अगर धोना चाहे तो वहाँ धो सकती है, तो ये तमाम काम अंदर कर सकती है। लेकिन बेहतर यह है कि एतिकाफ में बैठने से पहले इन कामों के लिए कोई मुतबादल इंतज़ाम कर ले, कोई अल्टरनेट इंतज़ाम हो जाए, कोई और इन कामों को करने वाला हो, ताकि पूरी यकसुई के साथ ये इबादत अपनी रूह और मकसद के साथ अदा हो सके। तो अलफतावा अलहिंदिया में इसी तरह इबारत आती है कि वल इमरात तअतकिफ फी मस्जिद बैतिहा इज़ा अतकफत फी मस्जिद बैतिहा फतिल्क अलबक़अतु फी हक़िहा कमस्जिद अलजमाअत फी हक़ अर्रजुल ला तख़रुजु मिन्हु इल्ला लिहाजत अलइंसान। ला तख़रुज, वहाँ से बिल्कुल नहीं निकलना, इल्ला लिहाजत अलइंसान, जो इंसान की हाजात होती हैं उसके तहत निकल सकती है। कदा फी शरह अलमबसूत लिलइमाम अस-सरख़सी, इमाम सरख़सी की अलमबसूत जो है शरह अलमबसूत, उसमें इसी में उसमें भी इसी तरह की दलील आती है। भारत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपकी सहूलत के लिए WhatsApp का ग्रुप भी बना हुआ है और Telegram का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है, तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।